नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश और आप देख रहे हो एसएसए स्टॉक मार्केट। भाई आज मार्केट में एकदम जो है तबाही मची हुई है। पूरा मार्केट जो है लाल रंग से रंगा हुआ है। और निफ्टी की बात करेंगे तो 1.8% की गिरावट टोटल देखेंगे अगर पॉइंट के हिसाब से तो 450 पॉइंट की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। बैंक निफ्टी टोटल पूरा पूरा जो है 1000 पॉइंट गिरा है, जो लगभग 2% के आसपास है। और वहीं पे निफ्टी आईटी की बात करेंगे तो ये 2.5% से भी ज़्यादा गिरा, और ये भी जो है 1050 पॉइंट गिरा हुआ है। मतलब पूरा मार्केट अगर देखेंगे तो एक बड़ी सी गिरावट आ रही है ग्लोबल सेंटिमेंट की वजह से। उधर इसराइल और ईरान के बीच में कुछ लपड़ा फंस गया है, उधर जापान ने रेट हाइक कर दिया है। और वहीं पे अगर हम लोग देखेंगे तो यूएस फेड ने रेट काटा ही नहीं, तो कई सारे और वहाँ पे जॉबलेस क्लेम का डाटा बहुत गिर के आया है। मतलब वहाँ पे नौकरियाँ है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो जो है बहुत ज़बरदस्त कुछ न्यूज़ें आई हैं, उनकी वजह से जो है गिरावट हो रही है। इसी तरह का देखेंगे तो मदरसन सोमी में भी हम लोगों को 8% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। अब इसमें करना क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील भी देखने के लिए मिली हैं आज इसमें, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए आज का, अभी तक का जो लगभग 1.25 घंटा हुआ है ट्रेडिंग शुरू हुए, तो टोटल 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर इसमें आज टोटल ट्रेड हुआ है, ठीक है ना। जिसकी टोटल ट्रेड वैल्यू की बात करेंगे तो 451 करोड़ रुपए के शेयर जो है यहाँ पे बाय सेल हुए हैं अभी 1.25 घंटा में। और डिलीवरी परसेंटेज की बात करेंगे तो 64.5% के आसपास का डिलीवरी परसेंटेज निकल के सामने आ रहा है, जो कि अच्छा है। वहीं पे आस्क और बिड क्वांटिटी में देखेंगे तो 15 लाख क्वांटिटी बाय साइड लगा हुआ है और लगभग 20 लाख इक्विटी शेयर जो है वो सेल साइड में लगा हुआ है। टोटल इक्विटी शेयर 2.5 करोड़ ट्रेड हो चुका है। अब देखिए कल एक जो है खबर निकल के सामने आई थी, कल नहीं मतलब शुक्रवार को खबर निकल के सामने आई थी, जो एक्वाइजिशन से रिलेटेड खबर निकल के सामने आई थी कि कुछ कंपनी में जो है इनकी सब्सिडी कंपनी जो है वो हिस्सेदारी जो है खरीदने वाली है। और ये मैं आप लोगों को न्यूज़ दे चुका हूँ, अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज करके जाके आप लोग ये वाली वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। एक राइट इशू से भी रिलेटेड अपडेट आया है कि कंपनी जो है लगभग 5000 करोड़ रुपए के कुछ इक्विटी शेयर भी इशू करने वाली है, जो लगभग 5000 तो उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन ये बताया है कि 33 करोड़ 28 लाख 21,078 इक्विटी शेयर ये इशू करने वाले हैं और इसके तहत फंड रेज करने वाले हैं। तो अनुमान था कि लगभग राइट इशू कंपनी एक जो है ला सकती है, देने वाली है। तो इस तरह से एक अपडेट निकल के सामने आया था। उसके बाद का अगर आप लोग अपडेट देखोगे तो एक्वाइजिशन से रिलेटेड भी एक अपडेट आया था, जो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि 100% एक्वाइजिशन एक कंपनी में करने वाली है, जिसमें पहले से इनकी सब्सिडरी कंपनी का कुछ है और ये जो है अपनी एक सब्सिडरी कंपनी मदरसन इनोवेटिव के थ्रू जो है एक जो कंपनी है ऑटो सॉल्यूशन करके संवर्धन, उसमें जो है ये अपना 34% स्टेक जो है उसको और बढ़ाने वाले हैं, टोटल 100% करने वाले हैं। तो इस तरह से एक अपडेट निकल के सामने आया था। वहीं पे अगर पिछले दिन देखेंगे हम लोग तो एक बोर्ड मीटिंग भी शेड्यूल की गई थी, जो यही राइट इशू वाला मैं आपको बताया था, तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। वीडियो में मैं सब कुछ एकदम जो है ऑफिशियल बताया हूँ, न्यूज़ ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई न्यूज़ है। ये एक न्यूज़ निकल के सामने आई थी फंड रेजिंग वाली, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंपनी ने कहा है कि हम इक्विटी के जरिए फंड रेज करने वाले हैं। इसमें कंपनी ने सारा ऑप्शन ओपन रखा है, यहाँ पे QIP के जरिए भी रखा है, पब्लिक इशू के जरिए भी रखा है, अमेरिकन डिपॉजिटरी, वहीं पे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, वहीं पे देखेंगे प्रेफरेंशियल शेयर, QIP, कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो कई तरह का ऑप्शन इन्होंने चूज किया। बस कंपनी ने यहाँ पे यही हम लोगों को सीधा सीधा बताया है कि हम जो है आपको जो है इतने इक्विटी शेयर इशू करने वाले हैं और इसके तहत एक जो है फंड रेज करने का प्लान कंपनी जो है यहाँ पे कर रही है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, एक अपडेट है। हालांकि 13 अगस्त 2024 को कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है, तो इसका भी हो सकता है असर आप देखने के लिए इसके चार्ट पे मिले, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा इसको आप लोग। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग आज, तो आज कई सारी लार्ज डील देखने के लिए मिली है इस स्टॉक में, जो यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा। देखिए बहुत मतलब कुछ बड़ी बड़ी लार्ज डील है यहाँ पे। 34 नंबर आप लार्ज डील देखने के लिए मिली है। एपेनो का डाटा देखेंगे तो बता रहा है कि शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मतलब मंदी के सौदे आज यहाँ पे बनाए गए हैं। और 34 नंबर आप लार्ज डील को अगर हम लोग ओपन करके यहाँ पे देखते हैं तो
कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील देखने के लिए। बड़ी का मतलब ये नहीं है कि बहुत 10, 20, 50 करोड़ की लार्ज डील है, लेकिन 3-3 करोड़, 3-3 करोड़ के ही कितने सारे लार्ज डील हैं। अगर इनको आप लोग काउंट करोगे तो बहुत ज़्यादा लार्ज डील यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हो अभी और बड़ी बड़ी लार्ज डील इसमें होंगी। देखिए चार्ट पे मैं आप लोगों को क्लियर बताया था कि अब कंपनी जो है जब तक 85 रुपये की, 185 रुपये के ऊपर ऊपर है तब तो कोई टेंशन नहीं, और बिल्कुल 185 रुपये पे आज ओपन भी हुआ है, और वहीं से ओपन हुआ और जहाँ से तहाँ से एकदम जो है कंटिन्यू गिरावट आई है, और ये हम लोगों का नेक्स्ट जो सपोर्ट है 175 रुपये वहाँ तक आया है। अब देखिए मैं एक बार बोला था आप लोगों को कि हो सकता है एक बार 75 रुपये टच करने के लिए जाए, तो देखिए इसको एक अगर मार्केट और ज़्यादा नहीं गिरता, देखिए अब निफ्टी 2% गिरावट हो गया, बैंक निफ्टी 2% है ही, आईटी तो 3% अब जा रहा है, तो अगर मार्केट और ज़्यादा गिरता है तब तो ब्रेकडाउन नीचे की साइड में हो जाएगा और इसमें और गिरावट आने की संभावना हो जाएगी, और फिर आके ये वाला जो हाई है ना, इस वाले हाई के आसपास ये जो है सस्टेन करेगा, मतलब 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास। अभी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे इसका 50 डे में मूविंग एवरेज आ रहा है, और ये इसको सपोर्ट दे सकता है, ऐसी संभावना है। 50 डे में मूविंग एवरेज अगर ब्रेक होता है नीचे की साइड में, जो कि ब्रेक हो ही रहा है, और 175 रुपये के नीचे अगर डेली कैंडल आज वाली आके या फिर कल वाली कभी भी आके कोई कैंडल 175 के नीचे अगर क्रोच करती है, तो फिर एक बार मान के चलिएगा आप लोग कि 150 रुपये 54 रुपये के आसपास जाएगा, जो कि इसका 100 डे मूविंग एवरेज है। ये मैं केवल सिंपल मूविंग एवरेज फॉलो करता हूँ, एक्सपोनेंशियल नहीं। तो यहाँ पे जो है आने की संभावना इसकी बन जाएगी, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हाल में अगर पहले से खरीदारी आपके पास है तो दो ही स्ट्रेटजी आपके पास है, या तो आप 175 रुपये के नीचे का डेली कैंडल के क्लोजिंग के बेसिस पे स्टॉप लॉस फॉलो कर लीजिए, फिर जब मार्केट कभी भी घूम के 185 रुपये के ऊपर जाएगा तो फिर से आप खरीदारी कर लीजिएगा, लेकिन 175 अगर ब्रेक होता है हमारी स्ट्रेटजी के हिसाब से तो आपको सेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि छोटा स्टॉप लॉस है भाई, इतने छोटे स्टॉप लॉस से डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको 185 पे खरीदारी करने के लिए बोला था, और 6.5-7% के आसपास का लॉस होने की संभावना है अगर इसके नीचे डेली कैंडल क्लोज करता है तो ले लीजिएगा, बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, नहीं तो फिर हो सकता है कि आपको बड़ा स्टॉप लॉस भी झेलना पड़े, मतलब अगर यहाँ से मार्केट गिर के अगर 150 रुपये तक आएगा तो लगभग 18-20% तक का भी लॉस आपके पोर्टफोलियो में दिख सकता है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। बाकी अगर कोई सेफ एनालिसिस, सेफ खरीदारी करना चाहता है तो 185 के ऊपर जाता है मार्केट तभी खरीदारी करिएगा आप लोग, नहीं तो बहुत रिस्की आप ट्रेडर हो तो यहीं पे खरीदारी करके छोटा सा स्टॉप लॉस आप लोग नीचे की साइड में फॉलो कर लीजिएगा, जो नई एंट्री वाले हैं 172 रुपये का, बच जाएगा तो बच जाएगा, नहीं तो फिर काम खत्म हो जाएगा इसका भी, देखते हैं ठीक है ना। बाकी आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आता है तो, और ये वाली राइट इशू वाली वीडियो आप लोग नहीं देखे हो देख लीजिएगा, इसमें मैं आप लोगों को सब कुछ क्लियर करके बताया हूँ। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।